नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या कोरोना का बढ़ता ग्राफ, शिक्षा की बात हो या रोजगार की, तेजस्वी यादव केवल बयानबाजी करते नजर आते हैं। बयानबाजी छोड़कर उन्हें बिहार की कोई चिंता ही नहीं है। अगर उन्हें बयानों से फुर्सत मिले तो थोड़ा हमारी सरकार को कुछ सार्थक सुझाव भी दे दें, ताकि बिहार में विकास की और भी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन उन्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं है, उन्हें केवल बयान देने आता है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी यह बयानबाजी लोकप्रियता के लिए है। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। अपनी लोकप्रियता के बजाय अगर वह जनता को कुछ सुझाव दें, सरकार को कुछ सुझाव दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सवाल रहा बंगाल चुनाव का, तो मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों से जो विकास बंगाल में होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां केवल अशांति है, भाईचारे की कोई जगह नहीं है। वहाँ की जनता अपने राज्य में विकास, शांति और भाईचारा चाहती है। वहाँ की जनता इस बार धोखा देने वाली सरकार को सबक सिखाएगी। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है, और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं, काम कर रहे हैं, और उनको सफलता भी मिल रही है। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है, और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं, काम कर रहे हैं, और उनको सफलता भी मिल रही है।